सो इस वीडियो का आइडिया ना मेरे को बहुत दिनों से आ रहा था कि मेरे को वीडियो गेम्स की एडिक्शन होती क्यों है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है। बट द थिंग इज़ मैं थोड़ा हिपोक्रिटिकल फील कर रहा था बिकॉज आई रन अ सेकेंड यूट्यूब चैनल जो कि गेमिंग का ही है, एंड आई थॉट कि यार इज़ इट गुड अगर मैं गेमिंग का चैनल रन करके गेमिंग को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या गेमिंग को एडिक्शन बोल रहा हूँ। बट अब मैं एक कंक्लूजन में पहुँचा हूँ दैट यस इट इज़ ऑल राइट टू डू दैट बिकॉज आई एम नॉट एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स एट ऑल। आई जस्ट मेक कॉन्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट मनी फ्रॉम वीडियो गेम्स, अदर देन दैट आई डोंट गिव अ फक अबाउट वीडियो गेम्स एनी मोर। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट अगर तुम्हें लगता है कि तुम वीडियो गेम्स एडिक्टेड नहीं हो तो तुम क्यों हो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट वीडियो गेम एडिक्शन। सो लेट्स बिगिन। द नंबर वन रीजन दैट यू आर एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स इज बिकॉज ऑफ योर मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी की वजह से तुम एडिक्टेड हो वीडियो गेम्स से। एज अ मैन तुम खुद को जितना मर्जी फेमिनिन बना लो बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम्हारा खून तभी तेज दौड़ेगा जब तुम न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, न्यू दुनिया एक्सप्लोर करोगे, न्यू स्किल्स अनलॉक करोगे। आई डोंट नो वाई बट वी मैन आर जस्ट मेड लाइक दैट। मानता हूँ हर बंदा कॉन्करर नहीं बनने वाला, हर मैन किंग नहीं बनने वाला, बट येट स्टिल देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट कि मैन हमेशा अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेगा, हमेशा नया स्किल अनलॉक करने की कोशिश करेगा, हमेशा न्यू गर्ल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, भले कर कुछ ना पाए पर दिमाग में ज़रूर आएगा। एंड ये जो चीज़ है ये भगवान ने हमें क्यों दी, इट डज नॉट मैटर टू बी ऑनेस्ट। एंड यही रीज़न है जो हम वीडियो गेम से एडिक्टेड हैं। कैसे? लेट अस जस्ट से दैट यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, जिसको घर में चैं 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 ही करनी है, उसको चैन नहीं है, वो कभी यहाँ बैठ रहा है कभी वहाँ बैठ रहा है, उसने मम्मी पापा को तंग कर दिया। मम्मी पापा देखते हैं यार ये बच्चा ना बड़ा तंग करता है हमें, चलो हम इसके लिए लगा देंगे एक टीवी। बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, बट वो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें विजडम थोड़ी ज़्यादा बचपन से, बोलता है मम्मी टीवी अच्छा है पर मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा खेलने। फिर मम्मी पापा सोचते हैं यार बाहर ले गए तो ये तो पंगे करेगा, गाड़ी के नीचे आ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, तो क्या किया जाए। तो माँ बाप बोलते हैं चलो एक इतना सा छोटा सा प्ले ग्राउंड खरीद लेते हैं नकली जैसा, वो रख देते हैं, इसको क्या पता लगेगा। एंड बेचारे को वो ग्राउंड दे दिया जाता है एंड वो खुश है कि मैं बाहर हूँ, और जो उसके अंदर की विजडम है उसको भी लग रहा है कि हाँ ये सक्सेसफुल हो गया बाहर जाके, दिस इज़ इट। सेम चीज़ तुम्हारे साथ वो वीडियो गेम्स करती हैं। तुम्हें पता है वीडियो गेम सबसे ज़्यादा कौन सा जेंडर खेलता है? लेट मी नो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर तुम्हें पता है कौन सा खेलता है, जो कि आई एम श्योर तुम में से सबको पता होगा, तो वो जेंडर सिर्फ इसलिए वीडियो गेम खेलता है क्योंकि उस जेंडर को पसंद है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना, अपने आप को अपग्रेड करना, न्यू जर्नीज पे जाना, न्यू कहानियाँ लिखना, न्यू लव इंटरेस्ट ढूंढना। अब तुम में से कई लोग बोलोगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए तो तुम एडिक्टेड हो भाई। तुम रियल लाइफ में चीज़ें जब नहीं कर पाते हो तो तुम्हें वही फेक प्लेग्राउंड जो छोटे बच्चे को उसकी मम्मी ने दिया था क्योंकि उसके प्लेग्राउंड में घूमने की अर्ज थी, वही फेक प्लेग्राउंड वाला काम तुम्हारे लिए वीडियो गेम्स करती हैं। अगर तुम्हें को टेनेट देखोगे वीडियो गेम का किसी भी का भी, वो क्या होता है, यू गो थ्रू अ स्टोरी, यू फील कि तुम ही करेक्टर हो, एंड थर्ड यू लेवल अप योर सेल्फ इन द वीडियो गेम, यू प्रोग्रेस बाय मिशन बाय मिशन। तो जब तुम एक गेम खेलते हो तुम बेसिकली जो अपनी वो मैस्कुलिन अर्ज है ना, टू फाइंड न्यू थिंग्स, टू सक्सीड इन लाइफ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन लाइफ, टू अनलॉक मोर स्किल्स, टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस पॉइंट्स, टू इम्प्रूव योर स्किल्स एट लेवल, वो सारा का सारा गेम पूरा कर देती है। एंड इसीलिए तुम में से कई लोग वीडियो गेम से एडिक्टेड हो, और छोटा मोटा एडिक्टेड नहीं, खतरनाक वाले एडिक्टेड हो। आई नो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी गेम खेल लेंगे, पूरा दिन खेल लेंगे, नॉट बिकॉज उनको गेम अच्छी लग रही है, वो खुद से झूठ बोलते हैं यार ये गेम अच्छी है, उनको अच्छा पता क्या लग रहा है उस गेम की प्रोग्रेशन सिस्टम, बिकॉज अंदर से तो है वो मैन ही, अंदर से तो है वो मैस्कुलिन ही। जब वो गेम ऑन करते हैं उसमें प्रोग्रेस करते हैं, दे विल एक्सपीरियंस समथिंग जो कि भगवान ने उनको दिया है टू एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। बट जब वो गेम में एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें लगता है वाओ ये तो मेरे लिए ही बनी है, दिस गेम इज द बेस्ट। गेम नहीं है बेस्ट, उसका प्रोग्रेशन सिस्टम बेस्ट है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बाय द मैट्रिक्स। एंड दिस इज हाउ मैट्रिक्स बाय द वे फूल्स यू, डोंट थिंक मैट्रिक्स असली में कोई सिमुलेशन है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें ना जो मैस्कुलिनिटी को रोक के रखती हैं, दबा के रखती हैं, ये है एक्चुअल मैट्रिक्स। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी जो कि वीडियो गेम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसमें उनको कोई भी वीडियो गेम में मजा नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से किसी भी गेम में इनग्रोस कर पा रहे हैं। एंड फिर मेरे जैसे और उनके जैसे लोग ना चैलेंजेस देखने लग पड़ते हैं कि मैं चैलेंज करूंगा, मैं जबरदस्ती गेम खेलूंगा एंड मैं गेम में प्रोग्रेस करूंगा। व्हाई? योर बॉडी इज लिटरली टेलिंग यू कि तुम बोर हो रहे हो वीडियो गेम खेल के, एंड तुम बोर नहीं हो रहे हो, तुम सफर कर रहे हो। तुम्हारी दिमाग तुम्हारा बॉडी तुम्हें बताना चाहता है कि सब कॉन्शियसली भाई ये वीडियो गेम है, दिस इज नॉट रियल लाइफ, लेट अस गेट आउटसाइड। गेम में प्रोग्रेशन करने से अच्छा है असलियत में प्रोग्रेशन क्यों ना की जाए। एंड हम में से कई बुद्धू लोग इंक्लूडिंग मी, हम ट्राई करते हैं नहीं 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 मेरे को गेम पसंद क्यों नहीं आ रही है, मैं तो बचपन से गेमर रहा हूँ, मेरी तो फेवरेट चीज़ वीडियो गेमिंग है, मैं तो जबरदस्ती पसंद करवा के रहूँगा। ब्रो नो, तुम्हारी बॉडी बोल रही, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है बहुत हुआ ये गंदगी, निकल बाहर यहाँ से,
चल असलियत में कुछ लेवल अप किया जाए। एल्डन रिंग में 200 का लेवल लेके बैठा हूँ, असलियत में एक लेवल का भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन रियल लाइफ, वो तुम्हारा दिमाग वो तुम्हारी बॉडी बोल रही है, और इसलिए तुम्हें गेम्स बोर कर रही हैं। बचपन में क्यों नहीं करती थी गेम्स बोर, क्योंकि तब इतने बड़े एम्बिशंस नहीं थे, इतनी मैस्कुलिनिटी डेवलप नहीं हुई थी। बट नाउ दैट यू आर अ ग्रोन अप मैन एंड सडनली मैस्कुलिनिटी स्पाइक हो चुकी है, लड़कियों में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, पर्पस मिशन एम्बिशन मनी इन सब पे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, योर बॉडी सडनली स्टार्ट्स रिजेक्टिंग वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम्स बोरिंग लगने लग पड़ती है, एंड यू थिंक तुम में ही कोई गलती है एंड वीडियो गेम्स को ज़बरदस्ती पसंद करना पड़ेगा, अदरवाइज योर लाइफ इज वेस्टेड। नो मैन, वीडियो गेम्स से बचा रही है तुम्हें, तुम्हारी ब्रेन तुम्हारी बॉडी शो कर रही है हाँ ये बोरिंग है। टेक दिस एज अ साइन फ्रॉम योर बॉडी, डोंट थिंक कि ये मेरी बॉडी मेरे को बोर क्यों करवा रही है, थिंक ऑफ इट लाइक कि तुम्हें बॉडी सिम्टम दे रही है एक डिजीज का, तुम्हारी लाइफ वेस्ट होने वाली डिजीज का, एंड इट इज नाउ टाइम टू गेट अप एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन रियल लाइफ, मेक योर लाइफ अ गेम। वन थिंग आई हैव नोटिस कि तुम कभी इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, इन सबसे जो भी एडिक्शन होती है ना, वो डोपामिन लेवल वाली एडिक्शन होती है, जिसमें तुम्हें वो मजे से एडिक्शन हो रहा है, वो न्यू कंटेंट दिखने से एडिक्शन हो रहा है। बट वीडियो गेम वाली जो एडिक्शन है वो सबसे बुरी है मैन के लिए, क्योंकि उसमें तुम्हें न्यू वर्ल्ड्स दिखाए जा रहे हैं। आजकल जाइंट जाइंट ओपन वर्ल्ड वाली वीडियो गेम्स आ गई हैं, ये वाला वर्ल्ड देखो, वो वाला वर्ल्ड देखो, एंड हम लोग उनमें एक्सप्लोर करते हैं एंड हम सोचते हैं वाह मैंने तो नई दुनिया एक्सप्लोर कर दी। हाँ, माना कि तुम्हारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है दिमाग का, वो सोच रहा है कि नहीं नहीं ये वीडियो गेम है, बट जो अंदर का जानवर वाला दिमाग है, जो लिजर्ड ब्रेन है अंदर का, उसको क्या पता बेचारे को, वो तो यही सोच रहा है ना, हाँ हाँ भाई न्यू दुनिया एक्सप्लोर कर ली, हमारा पर्पस डन हो गया। एंड क्या होता है एज अ मैन, लेट अस जस्ट इमेजिन तुम असली में एक न्यू दुनिया एक्सप्लोर करते हो, व्हाट विल हैपन टू यू? मैं तुम्हें एक बोट पे बिठा देता हूँ और बोलता हूँ जाओ आयरलैंड ढूंढ के लाओ, एंड तुम फाइनली ढूंढ लेते हो। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है ढूंढने के बाद? रेस्ट, अ लॉट ऑफ रेस्ट, रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट कि फाइनली आई डिड दिस हार्ड टास्क। अब होता पता क्या है ना, जब हम वीडियो गेम में न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, तो भले ही हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है दैट दिस इज अ वीडियो गेम, दिस इज नॉट रियल लाइफ, बट जो बेचारा लिजर्ड ब्रेन है दिमाग में, सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसको लगता है ये रियल है, असली में एक्सप्लोरेशन कर ली है, एंड फिर वो दिमाग कहेगा इट इज टाइम फॉर रेस्ट नाउ, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लेजी, यू विल स्टार्ट फीलिंग अकम्पलिश्ड। ये सेम चीज तुम्हें पोन के साथ देखने को मिलेगी। पोन देखने के बाद सडनली इतनी नींद क्यों आती है? बिकॉज योर बेचारा लिजर्ड ब्रेन जो है दिमाग में, जो कि जानवर जैसा है बिल्कुल, उसको लगता है वाओ हमने तो सेक्स किया, इट इज टाइम फॉर रेस्ट, क्योंकि व्हाट डज अ मैन डू आफ्टर सेक्स? अगर तुम लेटस से आज से 5000 साल पहले जी रहे हो एंड एक पार्टनर ढूंढ के सेक्स कर ले रहे हो, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक रेस्ट। इतनी मेहनत वाला काम किया है, मोस्ट प्रोबेबली बाकी मर्दों को हराया है किसी फाइट में, तब जाके वुमेन को पाया है, एंड नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्लीप, टेक रेस्ट। एंड सेम चीज हैपन करती है जब हम फोन में पोर्न देख लेते हैं, मैस्टरबेट कर लेते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज रेस्ट। माना है तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है, पर सब कॉन्शियस को क्या पता? तो इस सब का मतलब क्या है कि तुम्हें इंस्टा, फेसबुक, मोबाइल, इन सब की एडिक्शन डिफरेंट तरह की होती है। वो डोपामिन वाली एडिक्शन है, चस्के की एडिक्शन है कि कोई नई चीज़ दिख रही है, नई चीज़। पर जो वीडियो गेम्स एडिक्शन दे रही है वो लिटरली मैस्कुलिनिटी की है। आज के दिन अगर तुम्हारे अंदर वो वॉरियर वाली मैस्कुलिनिटी है कि मुझे युद्ध लड़ना है, तो वीडियो गेम खेल लेते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पैरामिलिट्री फोर्सेस, लाइक आर्मी वगैरह में जाने की जगह यू विल जस्ट होप ऑन टू कॉल ऑफ ड्यूटी, होप ऑन टू बैटल फील्ड। एंड तुम्हें क्यों आ रहा है इतना मजा? वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यू लिटरली फील, और एटलीस्ट तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट है जो कि फील कर रहा है कि ये रियल चीज है। एंड यही रीजन है जो हमें आरपीजी गेम्स इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव लगती हैं। उनको खेलने के बाद ऐसे लगता नहीं हमने टाइम वेस्ट किया, एक सेकंड भी नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द पीपल से आफ्टर प्लेइंग एन आरपीजी गेम फॉर 3 to 4 hours, जॉब वेल डन, आज हमने फाइनली इतना डेवलप किया, हमने ये किया, वो किया, बिकॉज हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं गेम के साथ, कि गेम में हमने एक लेवल बढ़ाया, स्ट्रेंथ पे अपग्रेड किया, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को लगता है वाओ हम तो रियल लाइफ में अपग्रेड हो गए। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू आफ्टर क्लोजिंग एन आरपीजी गेम इज रेस्ट, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या पता वो रियलिटी नहीं है, वो फेक है, क्योंकि हमारा ब्रेन एवोल्यूशन से गुजरा है, पर इतने ज्यादा से नहीं कि फटाफट टेक्नोलॉजी से अडेप्ट कर ले। टेक्नोलॉजी तो अभी 20 सालों में इतनी एडवांस हो गई, बेचारा ब्रेन कहाँ हो गया, इतनी तुम्हारी लाइफ नहीं हुई। एंड ब्रेन तो बेचारा वही, आज से 300 साल पहले चले जाओ हम प्रिमिटिव थे ऑलमोस्ट, आज 300 साल बाद हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो ब्रेन नहीं हुआ है इतने ज्यादा एडवांस। एंड ब्रेन हमारा बेचारा सोचता रह जाता है वाओ हम तो कितने मेहनती हैं, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द रीजन इज हमें मोटिवेशन नहीं आती बिल्कुल भी। लाइक कि कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम जहां पर हमें अमीर होने के लिए मोटिवेशन चाहिए? सर हम दिख रहा है कि हम ब्रोक बॉयज हैं, मिडिल क्लास हैं, मुश्किल से 1,00,000 रुपया खर्चना हो तो 100 बार सोचना पड़ जाएगा, यार स्टिल हमें मोटिवेशन चाहिए यार, कोई मोटिवेशन दे दो काम करने की। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ये ह्यूमन के अंदर, एक मैन के अंदर नेचुरली नहीं होनी चाहिए चीज कि भाई कूड़े में बैठा है उसको कोई मोटिवेशन दे, निकल बाहर यहाँ से, सर निकाल दो कूड़े से बाहर। पता क्यों? क्योंकि किसी तरह से उसको नकली बाहर की दुनिया दिखाई जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली कूड़े में बैठ के बंदा स्क्रीन देख रहा है जहां पर उसे बाहर की दुनिया दिख रही है, एंड ही थिंक्स
कि मैं बाहर हूँ, एंड उसका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मोटिवेशन ही नहीं दे रहा है टू फाइट। क्यों आज लड़कों को मोटिवेशन चाहिए किसी लड़की को अप्रोच करने के लिए? क्यों लड़कों को मोटिवेशन चाहिए लड़की से बात करने के लिए? क्यों मोटिवेशन चाहिए लड़की से आई कॉन्टैक्ट करने के लिए? इतनी सिंपल चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही जब हमारे एंसेस्टर्स कर सके थे? और एवोल्यूशन से इतना सारा चेंज हुआ है, हम बने ही उस चीज़ के लिए कि हम आई कॉन्टैक्ट कर सकें लड़की के साथ, तभी आँखें लड़की के पास, आँखें हमारे पास। लाइक इसमें हार्ड क्या है? इट इज़ समथिंग नेचुरल। जैसे चलने के लिए बने वैसे आई कॉन्टैक्ट इज नथिंग आउट ऑफ द ब्लू जो हमारी जनरेशन कर रही है। एवरीवन हैज डन दैट। हमें क्यों मोटिवेशन चाहिए? क्योंकि वी आर वॉचिंग पॉन एंड हमें वो अर्जेंसी नहीं रही है बॉडी में। दिमाग में कोई गोली लगा के बैठ जाए आज और बोले मैं तेरे को गोली मार दूंगा आई कॉन्टैक्ट कर लड़की से, यू विल डू दैट, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी। और वो गोली नेचर ने दी है तुम्हें नेचुरली। तुम्हें जो हवस है, हॉर्नीनेस है, वो वही तो है। तुम्हें जो एबिलिटी है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को लड़ाइयां करनी है, दुनिया से बाहर जाना है, वही गोली है नेचर ने लगा के रखी हुई दिमाग में, अर्जीज जो बोलते हैं। पर हम उन अर्जीज को खत्म कर देते हैं बाय कंज्यूमिंग चीप कंटेंट। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल कंटेंट्स जो कि हमारी सर्च को खत्म कर रहा है वो है पॉर्न एंड वीडियो गेम्स। बोथ ऑफ देम आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स फॉर अ मैन आउट देयर। क्योंकि फॉर अ मैन कॉन्क्वेस्ट, एक्सप्लोरेशन, फाइंडिंग लव, यही चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे बड़ी भूख इन चीजों की होती है, मेकिंग मनी, प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, अचीविंग सम न्यू गोल्स, गेटिंग सम न्यू गर्ल्स, एंड ये वीडियो गेम्स एंड पोर्न लिटरली फिनिश कर देते हैं। सो जो वीडियो गेम का एडिक्शन है वो तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स से नहीं हटेगा। वीडियो गेम का एडिक्शन तुम्हें 30 डे की ब्रेक लेके नहीं हटेगा। वीडियो गेम का एडिक्शन तुमसे कोई टाइमर पे खेल के नहीं हटेगा। वीडियो गेम का एडिक्शन हटाने का एक ही तरीका, यू विल हैव टू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन योर रियल लाइफ। तुम्हें वीडियो गेम में लेवल अप करने का चस्का लगा होता ना, आज शाम को जाऊंगा घर में आराम से लेवल अप करूंगा अपने कैरेक्टर को, इस लेवल का पहुंचा दूंगा, ये वाला आर्मर लूंगा। स्टार्ट डूइंग दैट इन रियल लाइफ। आज शाम को घर जाऊंगा, कोडिंग सीखूंगा। आज शाम को घर जाऊंगा, लाइट के साथ कैसे खेलते हैं वीडियो बनाते वक्त वो सीखूंगा। आज शाम को घर जाऊंगा, पोस्टर कैसे सीधा करें वो सीखूंगा। आज शाम को जाऊंगा, चैट टैग को सब्सक्राइब कर लूंगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ऑटोमेटिकली वीडियो गेम का एडिक्शन खत्म हो जाएगा। एंड फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर जिनको वीडियो गेम का एडिक्शन ऑलरेडी लग रहा है कि खत्म होने चला है, हम बोर हो रहे हैं वीडियो गेम से, थिंक ऑफ इट एज एन अर्जेंसी एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें एक वरदान मिल रहा है भगवान की तरफ से, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन चालू हो रहा है, उसको समझ आ रहा है कि ये वीडियो गेम है, फेक वर्ल्ड है, ये एक डिस्प्ले है और तुम उसमें उतना इमर्स नहीं हो पा रहे हो। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट एंड स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं क्यों बोर हो रहा हूँ। एंड 99.9% ऑफ द केसेस में तुम सिर्फ इसलिए बोर हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग समझ चुका है दैट मैन ये तो नकली वर्ल्ड है, ये तो नकली एक्सप्लोरेशन है, ये तो नकली कॉम्बैट है, ये तो असली है ही नहीं। एंड अगर ऐसा हो रहा है देन प्लीज डोंट फोर्स योरसेल्फ टू प्ले वीडियो गेम्स। लाइफ बहुत छोटी है। मैं आज 20 साल का हो गया, मुझे एक बार पता नहीं लगा कब मैंने 20 साल इस धरती पे गुजार दिए। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू लाइकिंग समथिंग जो कि मैटर भी नहीं करती। लाइक अगर ऐसा होना तुम वीडियो गेम खेल के पैसे कमा रहे हो तो जबरदस्ती खेलो, गो फॉर इट। बट अगर तुम वीडियो गेम सिर्फ इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम्हारा बचपन का प्यार था बट अब तुम खेल नहीं पा रहे तो मैं जबरदस्ती खेलूंगा, यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड पीपल आउट देयर। बिकॉज योर ब्रेन तुम्हें हाथ जोड़ के बोल रहा है भाई असली में कर लेना कुछ, वीडियो गेम में मत कर। जिस दिन ये पोन के साथ होने लगा वर्ल्ड विल चेंज। बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा बंदा जिसको पोन से नफरत होने लग पड़ती है, पोन से बोर होने लग पड़ता है। आई हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड व्हाई, बट वीडियो गेम्स में ये बहुत भयंकर तरीके से होता है एंड कई लोगों के साथ होता है। स्पेशली जब हम टीनेज ईयर से बाहर निकलते हैं ना, सडनली दिमाग को लगने लग पड़ता है पता कि दिस इज फेक वर्ल्ड। इसलिए वीडियो गेम से कई लोगों का इंटरेस्ट हट जाता है और हम जबरदस्ती ट्राई करते हैं। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा मन कर रहा है कि वीडियो गेम बोरिंग है तो समझो ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कॉन्करिंग इन रियल लाइफ, स्टार्ट मेकिंग अ मिशन लिस्ट इन रियल लाइफ, स्टार्ट मेकिंग योर करेक्टर डेवलपमेंट इन रियल लाइफ। एंड सेकंड, अगर तुम ऑलरेडी एडिक्टेड हो तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हें हर गेम नहीं पसंद आ रही है। यू आर नॉट अ गेमिंग फैन, यू आर अ गेमिंग एडिक्ट। अगर तुम उनमें से हो ना जो कि हर तरह की गेम को खेल लेते हैं नॉन स्टॉप, तो 99% केसेस में तुम्हारे साथ पता क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही वो करेक्टर हो, इतना इमर्स हो जाते हो एंड यू फील कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। फिर तुम कोई भी गेम खेल लो, इवन स्नेक भी मोबाइल वाली खेल लोगे इतनी स्क्रीन वाली, तुम्हें लगेगा ये मैं ही सांप हूँ, देखो मैं लंबा हो गया, बट यू नो दैट इज नॉट द ट्रूथ। एंड कब तक तुम उस मैट्रिक्स में जीवित रह लोगे? रियल लाइफ तुम्हारी शीट होती जाएगी होती जाएगी। एंड जब रियल लाइफ शीट होती है तो पता सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है? तुम्हारा फेस। एंड अगर फेस खराब हुआ लाइफ खराब हो जाएगी। फेस को कैसे इंप्रूव करूँ? डिस्क्रिप्शन पे लिंक है भाई, दबाकर देख लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, पीस आउट।